किसी ने पूछा है कि सास अपने बहू की आरती क्यों उतारती है? जवाब दो, क्योंकि लक्ष्मी, इसीलिए। फिर लक्ष्मी बना के रखती है जबरदस्ती, मजबूरी में। तो किसी ने उत्तर दिया कि वो आरती इसीलिए उतारती है कि सब दिन ये हमारी आरती उतारे बदले में। आज हम उतार देते हैं तो बाकी दिन ये हमारी आरती उतारेगी। उतारना चाहिए। जब तुम पहली बार आए तो सासों ने कितना आदर किया, तिलक किया, आरती उतारी, इतना सम्मान। इस सम्मान का ख्याल करना चाहिए बहू को। हमेशा हमेशा बहू सास को रोज प्रणाम करे, रोज तिलक करे, रोज आरती करे। सास से बड़ी कोई देवी नहीं है आपके लिए, कोई जगदम्बा नहीं है। सास को यदि जगदम्बा मान के पूजा आरती करने लग जाए तो उसका घर ही पूरा स्वर्ग बन जाएगा। हाँ, आजकल सब उल्टा होने लगा है। आजकल बहू के आगमन पर सास जो है बैंड बजवाती है ना, बाजे बजवाती बैंड। और पहले तो बहू के आगमन की खुशी में बैंड बजाती है और फिर बहू की बैंड बजवाती है। वो उसको इतना सताएगी, इतना सताएगी, इतना सताएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। बहुत कुछ बातें बड़ी हर्ट करती है। अच्छा, जिस सास ने बहू का इतना आदर किया, इतना अपनापन दिया, दिया कि नहीं, अपना लाल, अपना बेटा तुम्हारे हवाले कर दिया, खुला अपनापन, देखना इतना सुहाग के सामान क्या क्या नहीं दिया आज तक। वही बहू जब मायके जाने लगती है तो अपना सारा सामान एक अलमारी में बंद करके ताला मार के चाबी लेके चले जाती है। सोचा कभी, जाती है कि नहीं जाती है? चाबी नहीं ले जाती है, चाबी दे के जाती है। बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए चाबी। बहुत अच्छा, यदि ऐसा है तो अति आनंद है, अति आनंद है। बहुओं को चाहिए कि अलमारी में ताला मारिए आप और चाबी सासू मां को देकर जाइए, जो कुछ भी है देख नजर में वो लेकर चली जाती है। यही है कपट, यहीं से अलगाव शुरू हो जाता है, यहीं से वैमनस्य शुरू हो जाता है। हाँ, मैं यहां से कहीं भी जाता हूं तो अपनी चाबी यहां दे के जाता हूं, खुद अपना चाबी, जो भी है आप देख सकते हो। घर नहीं टूटता है, बहुत अच्छा, सही बात है। घर को टूटने से बचाना है तो यही सब करना होता है, थोड़ी सी उदारता, थोड़ी सी उदारता।